किसान आंदोलन का सातवां दिन है आज और कल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात हुई और उस बातचीत के बीच से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया गया है और प्रस्ताव यह है कि एमएसपी पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और चार ऐसी फसलें हैं जिस पर करार की बात सामने आ रही है। किसान संगठनों के साथ चौथे दौर की वार्ता में बात निकलकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में किसान और सरकार एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठे। ये दोनों पक्षों के बीच चौथी बैठक थी। पिछले तीन बैठकें बेनतीजा रहने के बाद इस बैठक से बहुत उम्मीदें थी, सबकी नजरें थी। हालांकि कोई समझौता नहीं हो पाया, लेकिन करीब पाँच घंटे चली मैराथन मीटिंग के बाद एक प्रस्ताव सामने आया। बैठक में सरकार की ओर से चार उपजों की एमएसपी खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा गया। उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और कपास को लेकर इस प्रस्ताव में पाँच साल तक एमएसपी पर खरीद के कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई। ये लिखित कॉन्ट्रैक्ट एनसीसीएफ, एनएएफईडी और सीसीआई करेंगे। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको पाँच साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा। केंद्र की दो एजेंसियों के द्वारा एमएसपी जो तय की जाएगी, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि किसानों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए वक्त मांगा है। बड़ी खबर, किसानों ने इस पूरी मीटिंग के बाद, बातचीत के बाद थोड़ा वक्त मांगा है ताकि वो फैसला ले सके। इसी बीच जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम था वो भी रुका हुआ है, क्योंकि अब अपने संगठनों से बातचीत करेंगे। सरकार की ओर से दिए गए प्रपोजल पर चर्चा, फिर फैसला संभव है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको पाँच साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला, उनके ऊपर और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।